ग्वालियर में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता के साथ बिजली विभाग द्वारा अनाप शनाप बिजली के बिल देकर की जा रही लूट। कोरोना काल के बिजली के बिलों की माफी एवं जनता के साथ बिजली विभाग द्वारा वसूली के नाम पर की जा रही मनमानी के चलते हजीरा चौराहे पर विशाल धरना आयोजित किया गया। कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने कहा कि उपचुनाव में कोरोना काल के बिजली बिलों को माफ करने की बात कही, पर कुछ दिन बाद पलटकर स्थगित करने की बात कही थी। यह सब दर्शाता है कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। हमारी मांग है कि जनता को प्रताड़ित करना बंद करो, कोरोना काल के बिजली के बिल माफ करो और अनाप शनाप बिजली के बिल देना बंद करो। कि कथनी और करनी में अंतर क्यों? जब शिवराज सिंह जी पूर्व में कहते थे, अब गरीबों के साथ अन्याय क्यों? अब भोली भाली जनता के साथ अन्याय क्यों?